स्वागत है आपका, मैं इंद्रजीत कौर और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि पानीपत से आ रही है। आपको बता दें कि पानीपत की खुशी को 4.5 महीने बाद उसकी मां मिल गई है। खुशी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक रामनगर की कविता ही खुशी की मां है। चंडीगढ़ लैब ने डीएनए रिपोर्ट पानीपत पुलिस को सौंप दी थी और इसके बाद कविता के ससुर को बुलाया गया और खुशी को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। 17 जून से जन्म के बाद से खुशी 4.5 महीने से पानीपत के सिविल अस्पताल में थी। खुशी की मां कविता ने उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया था और आज डीएनए रिपोर्ट आ गई है और अब खुशी को अपनी मां की गोद नसीब आखिरकार हो ही गई है। डीएनए रिपोर्ट से खुशी के माता पिता मिल गए हैं और कुछ ही देर में खुशी अपने परिवार के साथ होगी। पानीपत का सिविल अस्पताल खुशी के जन्म के बाद से ही उसकी देखभाल कर रहा है। तो आपको बता दें कि खुशी की डीएनए रिपोर्ट अब आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खुशी की तस्वीरें हैं। अस्पताल प्रशासन ही, अस्पताल के लोग ही खुशी की देखभाल कर रहे थे। 4.5 महीने हो चुके हैं। खुशी की मां कविता ने अपनाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि खुशी उनकी बेटी नहीं है। उसके बाद से ही अस्पताल खुशी की देखभाल कर रहा था। कोई खुशी के लिए कपड़े लेकर आता था तो कोई खुशी के लिए घर से दूध लाता था। सब खुशी को अपनी बेटी मान रहे थे लेकिन खुशी की अपनी मां ही उसे बेटी मानने से इनकार कर रही थी और अब डीएनए रिपोर्ट आ गई है। कविता ही खुशी की मां है और अब से कुछ ही देर में खुशी माता पिता को सौंप दी जाएगी। पानीपत पुलिस ने खुशी को उसके माता पिता को अब सौंप दिया है। पवन नारा की रिपोर्ट देखिए। पानीपत की वो बच्ची जिसे किसी ने खुशी कहा, किसी ने परी कहा, लेकिन वो लगभग 100 दिन से ज्यादा अस्पताल में रही क्योंकि उसके परिवार ने मानने से इनकार कर दिया कि उसकी बेटी है। आखिर फैसला डीएनए से हुआ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, क्या कुछ निकल के आया है? कि डीएनए रिपोर्ट कल शाम को सीएफएसएल चंडीगढ़ से हमें प्राप्त होगी है। उसमें जो बच्ची के ओरिजिनल पेरेंट्स थे वही उसके पेरेंट्स उस रिपोर्ट के माध्यम से कंफर्म हो गए हैं। तो आज सुबह उस बच्ची को उसके ओरिजिनल पेरेंट्स के हैंडओवर कर दिया गया है। तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये रिपोर्ट के बेस पे हम अपनी बच्ची इसको अब एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपने घर लेके जाएंगे। जिस तरह से पेरेंट्स ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था और फिलहाल अब डीएनए रिपोर्ट के बाद एक्सेप्ट किया है, तो क्या बच्ची की सुरक्षा के लिए कोई प्रिकॉशंस ली गई हैं? कुछ हलफनामा लिया गया है? कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्ची सुरक्षित रहे? हमने पेरेंट्स से एक अंडरटेकिंग ली है जिसमें पेरेंट्स हर 15 दिन के बाद अपनी बच्ची की मेडिकल प्रशिक्षण, उसकी जाँच करवाने के लिए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आएंगे और सिविल हॉस्पिटल में एक विशेष डॉक्टर्स का जो बोर्ड होगा उसकी मेडिकल प्रशिक्षण उसका करेगा और वही उससे कंफर्म हो जाएगा कि बच्ची की किस प्रकार से आगे देखभाल करी जा रही है उस फैमिली के द्वारा। परिवार संतुष्ट है डीएनए रिपोर्ट के बाद? एज ऑफ नाउ परिवार बिल्कुल संतुष्ट है। उनको रिपोर्ट के बाद ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो इस बच्ची को एक्सेप्ट ना करे। सिविल अस्पताल जहां खुशी को 4.5 महीने रही वहां के डॉक्टर ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, डीएनए की रिपोर्ट से ये एस्टेब्लिश हो गया है कि बच्ची के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो कविता वाइफ ऑफ अमित, और मतलब अमित और कविता दोनों। और रहा आपकी राहत की बात, नहीं ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं मगर ये क्योंकि उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो मैं ये समझता हूँ कि वो क्लियर हो गई है। और डिपार्टमेंट का तो अपना काम है, ऑब्वियसली वो करते रहते हैं। बच्ची को जब तक और हमने ही पालना था तो इसलिए हम उसको पाल भी रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी इस बात की खुशी होगी कि उनके जो अब डाउट्स क्लियर हो गए। तो खुशी को आखिरकार अब खुशियां मिल ही गई हैं और अपनी असली माँ जो है उसकी गोद नसीब हो ही गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पवन नारा जुड़ चुके हैं पानीपत से। पवन, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब खुशी को माता पिता के सुपुर्द किया गया तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, हमारी परिवार से बातचीत हुई है। इस लाइव के बाद जरूर हम आपको वो बातचीत भी भेजेंगे।
जिसमें स्पष्ट दिखाई दिया कि दादा और पिता ने कहा हमें खुशी है कि हमें हमारी बेटी मिल गई है, हमारी शंका दूर हो गई है। हालांकि माँ के चेहरे पर संकोच साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उसने भी शंका जाहिर की है। जब हमने उनसे पूछा कि जिस बच्ची को आपने पाला, क्या आपको लगता है कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहेगी, तो नर्सिंग स्टाफ ने भी ये शंका जताई कि माँ बाप जरूर या पिताजी और दादाजी जरूर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें शंका है। और प्रशासन ने इन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए परिवार से एक हलफनामा लिया है कि हर 15 दिन में खुशी या कहे परी, दोनों नाम दिए गए थे, उसका हर 15 दिन में सिविल अस्पताल में मेडिकल होगा और उसके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जिस वक्त खुशी को सौंपा गया है उस वक्त खुशी का वजन 5 किलो है। जी पवन, लेकिन आप बड़ा सवाल जो अभी यही बना हुआ है कि आखिर कविता ने जो असली माँ है खुशी की, उन्होंने इनकार क्यों किया था खुशी को अपनाने से, और परिवार के किसी भी सदस्य ने क्यों नहीं कहा कि खुशी उनकी ही बेटी है? जैसल आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ ये थी कि परिवार को ये शंका थी कि उनको बेटी नहीं बेटा हुआ है, और जब शंका हो तो शायद शंका कहीं भारी पड़ती है इमोशंस पे। यही वजह थी कि 135 दिन तक परिवार से कोई भी मिलने नहीं आया। बता दें आपको, खुशी आज पहली बार खुले आसमान के नीचे आई है। लगातार पेडिटिक्स वार्ड में वो भर्ती थी और आज पहली बार सामने आई है। पिता जरूर खुश हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर संकोच, माँ के चेहरे पर संकोच है। आपसे और अपडेट लेंगे पवन, आप हमारे साथ बने रहिए।